कार टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ओरा का बेस मॉडल दिखा रहा हूँ और इसमें हम व्हील कैप लगाएंगे, वही टाटा वाले डायमंड कट। तो ये बेस मॉडल देख लीजिए, इसके रिम को भी बेस मॉडल लोगे तो रिम सिल्वर ही आएंगे। तो इसके रिम करते हैं फटाक से मॉडिफाई, इस पर पेंट नहीं करेंगे, इस पर विनाइल लगाएंगे। लाओ भी। तो ये अपना टाटा का टियागो का व्हील कैप, इस पर अपन क्रोम वाला, जो मेरी पिछली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, इसको भी क्रोम में करेंगे। अब इसको लगा के दिखाते भाई, लगाना यार। अभी ये लगाएंगे ना तो उसमें भी लुक नहीं आया। ये भी 14 इंच का रिम है और 14 इंच का व्हील कैप, और 4 मीटर वाली सेडान में 14 इंच का ही आता है। तो आपको ये देखो दूर से मजा नहीं आ रहा क्योंकि अंदर से सिल्वर दिख रहा है ये बैकग्राउंड। इसको हम पेंट नहीं करेंगे, इस पर करेंगे विनाइल। जहां जहां गैप दिख रहा है पेन से निशान बना लेते हैं फटाक से। तो यहां से मैं इस पर निशान बना लूंगा, ये कहाँ कहाँ लगाना है मेरे को। ना विनाइल इसकी 3 फीट चौड़ाई और 3 फीट लंबाई लेके आए हम, 50 रुपये का, और ये 10 रुपये का कटर। अब इसको काट के यहाँ जहाँ हमने डिजाइन बनाया, मतलब गैप बनाया, उसको ब्लैक कर देंगे तो व्हील कैप में दिखेगा नहीं। तो लगाते हैं फिर हम। नाइल मैंने लगा दिए, ये देखिए आप, और इसमें होल भी कर दिए हैं। और अपन अब इसमें व्हील कैप लगाएंगे ना, तो जो भी सिल्वर जो बैकग्राउंड दिख रहा था वो बैकग्राउंड नहीं दिखेगा। चलो लगा के दिखाता हूँ। कर देते हैं, चारों टायर होंगे तब। रिम में अपन ने विनाइल लगा दिया है, चेक भी कर लिया कैसा लग रहा है, चारों रूम देख लो। और अब ये व्हील कैप पे मैंने क्रोम भी कर दिया, ये देखिए टाटा वाले व्हील कैप हैं, इस पे क्रोम कर दिया। अभी इस पे रेड का टच है, रेड का टच तो अपन पहले ही दे चुका है। अब इस पे ये वाला टच देंगे अपन, रेनबो वाला, रेनबो का क्रोम लेके आए, ये टच देंगे। चारों व्हील कैप कंप्लीट हो गए, तो डिग्गी में रखें। लाइट तो जल नहीं रही आई, ये तो अमेज का है, देखिए। तो चलो इस पर टच देते हैं रेनबो वाली फिल्म का, फिर आपको दिखाते हैं। व्हील कैप का काम कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए रेनबो वाली फिल्म लगाई है इसमें, एक नंबर लुक आ रहा भाई। ये दूसरा वाला व्हील कैप लगा रहा, कैसा लग रहा है बाबा व्हील कैप? चारों व्हील कैप हो चुके हैं, अपना रेन वाइजर पे अपन ने रेनबो वाली फिल्म लगा दी है, एक नंबर लग रही है गाड़ी, ये देखिए। क्रोम तो सब लगाते हैं, हमने ये लगा दिया। और ये जो रेन वाइजर है हुंडई एक्सेंट के ओरिजिनल है, इसका डब्बा दिखाना भाई कहाँ। सो ये है इसका डब्बा, ये देखिए वो हुंडई जेन्युइन एक्सेसरीज। प्राइस वगैरह कुछ लिखा है? ये पार्ट नंबर आप woodman.com पे इसको सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा। 1200 रुपये का, फिर भी सस्ता है यार, होंडा अमेज का तो बहुत महंगा, 3500 का है। अब ये गाड़ी में स्पॉइलर की कमी है, धीरे कभी अपन धीरे से इसका स्पॉइलर भी लगवा देंगे। और आपको ये क्रोम हैंडल और इसका प्राइस चाहिए तो इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। ये व्हील कैप बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, है मैंने इसको ये बनाते हुए इसलिए नहीं दिखाई कि इसकी वीडियो पहले से बना चुका हूं। उसको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको कैसे बनाते हैं। गाड़ी एक नंबर लग रही है झमाझम, बेस्ट मॉडल है, इसको टॉप मॉडल बना दिया। ये देखिए बेस्ट मॉडल है, ये है बेस मॉडल, इसका रिव्यू चाहिए तो बता देना। इसे हमने टॉप मॉडल बना दिया, सनरूफ भी लगा दिया। चले भाई, देखो गुटका खाने वाली गाड़ी, देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। ये रेनबो वाली अपन ने विनाइल जो लगाया है, और मैंने इसका रेनबो वाला विनाइल अपना, ये यहाँ पे गेट खोलते हैं, ये ब्लैक कलर का प्लास्टिक का ये लगा है सी पिलर पे। हाँ, यहाँ पे भी मैंने अपना रेनबो वाला क्रोम विनाइल यहाँ पे भी लगा दिया, बहुत बढ़िया लुक आ रहा है इससे। और अभी अंधेरा हो गया इसलिए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, दोनों तरफ लगा है, ये देखिए ये बहुत बढ़िया लुक आ रहा है इसका, एक नंबर। और मज़ा आ गया इसको देखने, दिन का शॉट मैंने पहले दे चुका हूँ, और इसका जो सिनेमेटिक शॉट है मैं आपको शुरू में ही दिखा चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और भी वीडियो ऐसी आती रहेंगी।